अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हरेश किचन। आज मैं सुरमई मच्छी का सालन और मेथी की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं मेथी की खिचड़ी और मच्छी का सालन बनाने जा रही हूँ, तो पहले हम लोग मच्छी का सालन बना कर लेंगे, उसके बाद खिचड़ी बनाएंगे। ये सुरमई मच्छी है आधा किलो, ये 5 पीस है ऐसे बड़े वाले, इसको अच्छे से धोकर रखा है मैंने। और एक बड़ा टमाटर कट करके लिया है, ये आम्बोसी है 3 पीस, आधा टी स्पून जीरा, आधा टी स्पून हल्दी पाउडर, और ये 8-10 लहसुन की कलियां, कड़ी पत्ता है, ये 8 से 9 मैंने लाल मिर्ची को गर्म पानी में भिगा कर रखा है। गर्म पानी में भिगाएंगे तो अच्छी पीसने में अच्छा होता है, ये एकदम बारीक पेस्ट बनता है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। 1 टीस्पून अखा धनिया और नमक। अब मिर्ची टमाटर और धनिया जीरा हम पीस कर लेंगे मिक्सर में, इसके बाद हम उसका सालन बनाएंगे। मिर्ची को मैंने मिक्सर में डाल दिया है, इसमें टमाटर डालेंगे, धनिया, इसमें ये सालन में खोपरा नहीं डालते, बिना खोपरे के ही बनता है। मेथी की खिचड़ी के साथ हम लोग ऐसा सालन बनाते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें से लहसुन आधी डालेंगे, 4 कलियां डाल रही हूँ, आधी हम लोग तड़के के लिए रखेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डालकर एकदम बारीक पेस्ट बना कर लेंगे। मसाला पीस के तैयार है, मैंने थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल के इसको बारीक पीस कर लिया है। अभी हम लोग सालन बनाना शुरू करते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाला है, अब इसमें लहसुन डालेंगे, लहसुन को मैंने थोड़ा सा कुचल कर लिया है, और कड़ी पत्ता डालेंगे, इसका थोड़ा कलर चेंज होने देंगे लहसुन का। लहसुन का कलर चेंज हो गया, अब मैं इसके अंदर मसाला डालूंगी। और इसको अच्छा 2-3 मिनट हम लोग भून कर लेंगे, मसाले की कच्ची भुज आना चाहिए क्योंकि सारे मसाले कच्चे हैं। इसको अच्छे से हम लोग ढक्कन डालकर भून कर लेते हैं। मसाला अच्छे से भून गया, अब मैं इसमें आम्बोसी डालूंगी, नमक डालेंगे और इसको मिक्स करके लेंगे। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ग्रेवी के लिए, ज्यादा पतला नहीं बनता है सालन। आधा गिलास मैंने पानी डाला है इसमें, अभी इसको थोड़ा जोश आने देते हैं और फिर इसके अंदर हम लोग मच्छी डालेंगे। सालन को जोश आ गया, अब मैं इसमें मच्छी ऐड करूंगी और इसको हम लोग 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका कर लेंगे। इसमें हरा धनिया भी डालेंगे, इसको हल्के हाथ से ऐसे चम्मच से थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे, मच्छी को ज्यादा हिलाएंगे नहीं। ये देखिए, अभी मैं ढक्कन डालकर इसको 10 मिनट पकने देती हूँ। मच्छी हमारी अच्छे से पक चुकी है, 10 मिनट हो गए और सालन तैयार है। अब गैस को बंद करेंगे और मेथी की खिचड़ी बनाएंगे। मेथी की खिचड़ी के लिए मैंने आधा किलो चावल लिए, ये बारीक चावल है, रोज जो हम लोग यूज करते हैं वही लिए, इसको धोकर मैंने रखा है। और 2 मीडियम साइज प्याज लेंगे कट करके, 1 टेबल स्पून मेथी है, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर लिया है, और ये नले का दूध है 1 प्याली, और नमक टेस्ट के हिसाब से। अभी हम खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। मैंने तेल डाला, तेल गर्म हो गया, आप इसको घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ये मच्छी के साथ खानी है इसके लिए मैं तेल में बना रही हूँ। और ये प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छे से हम लोग फ्राई करके लेंगे इसका कलर चेंज होने तक, फिर इसमें हम लोग मेथी डालेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया, अब मैं इसमें नमक डालूंगी और ये मेथी डालेंगे, मेथी का पानी निचार कर डालेंगे, पानी के साथ में डालेंगे और इसको 1 मिनट तक प्याज के साथ अच्छे से भून कर लेंगे। मेथी हमारी भून गई, अब मैं इसमें चावल के हिसाब से पानी डालूंगी, आप अपने चावल के हिसाब से पानी डालो, थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि नारियल का दूध भी डालना है। मैं इसमें 4 गिलास पानी डालूंगी, अभी मैंने 2 डाला है, अभी और 2 डालूंगी। देखिए पानी को उबाल आ गया, अब मैं इसके अंदर चावल डालूंगी, चावल का पानी निकाल कर डालेंगे। और चावल जब आधा पक जाएगा फिर हम लोग इसमें नारियल का दूध डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके अभी इसको पकने देते हैं। चावल हमारा आधा पक चुका है, थोड़ा पानी बाकी है, अब इसमें हम लोग नारियल का दूध डालेंगे और इसको मिक्स करके अच्छे से पकने के बाद इसको दम पर देंगे 5-6 मिनट के लिए।
जैसे ही पानी सूख जाता है तो हम लोग उसको दम पर देंगे। देखिए मेथी की खिचड़ी हमारी दम पे आ चुकी है। अब गैस को बंद करेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए हमारी सुरमई मच्छी का सालन और मेथी की खिचड़ी बनके तैयार है, बहुत मजेदार बनी है। और ये मेथी की खिचड़ी के साथ ये वाला सालन बहुत टेस्टी लगता है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।